खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोड़पुरवा गांव के पास बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, वहीं एक युवक बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, वहीं दूसरा बाइक सवार की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बीती रात हरलाजोत गांव के रहने वाले युवक, जो कि राजापुर तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, और वहां जाते समय रास्ते में ही गोड़पुरवा गांव के पास स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की घटना में दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, वही दूसरा जो युवक है वह बुरी तरीके से घायल है। वही स्कॉर्पियो चालक भागने की फिराक में था, तभी वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा तुरंत स्कॉर्पियो चालक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद भिनगा पुलिस के हवाले कर दिया गया। वही भिनगा पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिनगा भेज दिया है। वहीं जैसे ही यह खबर हरलाजोत के रहने वाले परिजनों को मिली, परिजनों में कोहराम मच गया। भारी संख्या में परिजन जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से रही, जहां बीती रात भिनगा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण सड़क हादसा गोड़पुरवा गांव के पास हुआ है, जहां स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। लोग की मौत हुई है, कैसे मौत, क्या मामला? ये जा रहे थे मतलब तिलक उत्सव में, तिलक लेके जा रहे थे, तो यहां गोड़पुरवा के पास जब पहुंचे तो उधर से आ रही एक स्कॉर्पियो पीछे से जाकर टक्कर मार दिया दाहिने साइड में, मतलब बाएं साइड में वो रहे, दाहिने साइड से जाके वो टक्कर मार दिया। अब दो लोग बाइक पर सवार रहे और दोनों लोग जाके गिर गए, और दोनों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। लमसम 100 मीटर तक स्कॉर्पियो घसीटते लेके गई। उसके बाद में गांव के जो है वही प्रधान है गोड़पुरवा के, प्रधान के घर के लोग जो है निकले, तब जाके वहाँ जो है बाइक छुड़वाया और उसको पकड़े वहाँ रोके। अच्छा, एक लोग जो घायल हैं वो कहाँ में? वो जिला अस्पताल में भर्ती। इनकी कहाँ मौत हुई है? इनकी मौत बहराइच हुई है, रास्ते में। अच्छा, रास्ते में के इलाज के दौरान? इलाज के दौरान यानी नहीं हुई है, रास्ते में ले जाते समय हुई है। अच्छा अच्छा, जो इनकी मौत हुई इनका क्या नाम है? इनका किशोरी लाल नाम है, बाप नाम बाबा दीन है। अच्छा, बाबा दीन, ग्राम हल्लाजोत के रहने वाले हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी उनके साथ जो है, अब क्या बताया जाए, अभी हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं और इनके साथ कोई था नहीं, अकेले हैं, तो हम लोग गांव वाले आके मिलके और जो है एप्लीकेशन दिए हैं। अभी क्या कर रही है पुलिस, के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।